तो जैसा आपको मालूम है, मैं हर एक वीडियो में, मैं ये नहीं बोलूंगा ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में, मैं बोलूंगा हर एक वीडियो में मैं ये मेंशन करता हूं कि ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाओ जाके फॉलो करो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। कई बार उन लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि भाई क्यों करे फॉलो। तो पहली चीज़ तो ये कि ठीक है, जो पोस्ट होते हैं वो सब मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, वो सब तो आप देख सकते हैं, इंस्टा स्टोरीज होती है वो सब आप चेक करना चाह कर सकते हैं, पर कुछ कुछ छोटे छोटे लॉस होते हैं जो कभी कभी हो जाते हैं, जैसा कि आपके साथ में इस एक वीडियो में होने वाला है। क्या हुआ, कल शाम को 4 बजे के आसपास ऐसे ही मेरा मन हुआ कि यार दोस्त एक Q&A वीडियो करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, जहां पे कुछ क्वेश्चंस जो आप ही लोग पूछेंगे वो मैं रैंडमली उठाऊंगा, अराउंड 14-15 क्वेश्चंस, और इस वीडियो में आंसर करूंगा। तो वहां पे मैंने स्टोरी में डाला, लोगों ने मुझे DM किया, क्वेश्चन पूछा। आप जो मुझे फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, जाओ जाके फॉलो करो। और बहुत जल्दी जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो मैं ट्विटर पे करने वाला हूं, जहां पे मैं पूछूंगा ट्विटर पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है मुझे। तो ये है मेरा ट्विटर का हैंडल, जाओ जाके फॉलो कर लो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इंट्रो। ऑलराइट, उसके पहले मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार दोस्त सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मेहनत लगती है यार वीडियो करने में, और अगर नहीं कराया तो पता नहीं क्यों नहीं कराया आपको, तो प्लीज कर लो। मैं आपको देता हूं कुछ सेकंड, पॉज कर लो, कर लो। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जो है suraj_maji831 का। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्या आप बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं? तो आंसर है मेरा, यस आई डू। और दूसरा इनका क्वेश्चन है, और आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है कि आपको वीडियोज देखने का टाइम ही नहीं मिलता? पहली चीज तो यार, अगर कोई बहुत ज्यादा डाई हार्ट सा अगर मेरा फेवरेट होता तो मैं शायद उनका वीडियो मिस ही नहीं करता, कभी भी टाइम मिलता, जैसे भी मिलता तो मैं देखता ज़रूर। पर सच्चाई ये है कि मेरा कोई फेवरेट यूट्यूबर नहीं है, मेरे फेवरेट वीडियोस हैं। तो किसी का एक वीडियो अच्छा लगता है, किसी का दूसरा वीडियो अच्छा लगता है, तो ऐसे मुझे जो जो इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखते रहते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। कई बार घटिया वीडियो भी देखने पड़ते हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो देखने के पहले पता नहीं लगता। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शायद वीडियो देखने के पहले कमेंट के चक्कर में ये लिख देते हैं ऑसम वीडियो या फिर टट्टी वीडियो। अब वीडियो देखोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? द सेम थिंग गोज विद मी एज वेल। तो जब तक मैं वीडियो देखता नहीं हूं तब तक पता लगता नहीं है, जब तक पता लगता है कई बार थोड़ा लेट हो जाता है। तो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय सूरज, विच इज अ डिफरेंट सूरज, suraj.jp। जी, इनका क्वेश्चन है फेवरेट पॉर्न स्टार। शिट यार, देखो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। और ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मैंने आज तक कोई पॉर्न मूवी देखी नहीं है, XXX वाली मूवी ना मैंने आज तक नहीं देखी है सूरज। मतलब शायद मेरे को लग रहा है कि मैंने जब ये स्टोरी डाली थी तो शायद आप उस टाइम पे कोई पॉर्न वीडियो देख रहे होंगे। पर फिर भी अगर बोलूँ, मतलब बहुत सोचने के बाद में अगर मुझे कोई अच्छा पॉर्न स्टार अगर दिमाग में आता है, यार सच में नहीं पता यार, क्योंकि नाम ही नहीं पता कभी, और मतलब देखा ही नहीं है तो कभी नाम कैसे पता होगा। मतलब एक है, मतलब भोजपुरी एक्ट्रेस है, मतलब वो बी ग्रेड मूवी की, मैं नाम भूल गया, मैंने उनके वीडियो बहुत देखे हैं, मतलब मस्त मस्त वाले होते हैं। एनीवेज, अगर आप थोड़े सीरियस होकर अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो देखो यार, 2-3 हैं जो नाम मुझे याद है, क्योंकि ऐसे कोई फेवरेट नहीं है सूरज। जैसे कि लिली कार्टर, मिया मालकोवा, these two can be considered as maybe say favorites, because yeah, they're good. अब देखो ऐसा लग Q&A के नाम पे क्या क्या पूछवाते हो तुम लोग। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज बाय wild_run_nandi। इनका क्वेश्चन है, फोटोग्राफी डिन केम इन टू योर लाइफ, देन विच प्रोफेशन वुड यू चूज? आई थिंक, बिकॉज सी, अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है, आई एम एन MBA इन HR, आई वॉज एनीवेज वर्किंग विद वन ऑफ द MNCs। तो अगर फोटोग्राफी नहीं आती जिंदगी में तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम तक तो मैं काम करता उस कंपनी में, बाद में डेफिनेटली पक जाता और मैं कुछ ना कुछ तो अपना खुद का काम स्टार्ट करता, क्योंकि यार स्टार्टिंग से क्रिएटिव दिमाग रहा है, और फोटोग्राफी नहीं होती तो डेफिनेटली और कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में डेफिनेटली चूज करता। मे बी मोस्ट पॉसिबल है राइटिंग, क्योंकि मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, जब अपना MBA कर रहा था, तब मैंने 2 साल तक फ्रीलांस राइटिंग की है, काफ़ी क्लाइंट्स के लिए लिखा है। तो 99.99% मैं एक छोटी सी कंपनी हेड कर रहा होता, जहाँ पे मेरे पास में लगभग 15-20 राइटर्स होते जो उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी हेल्प करते। I think yeah, that would be a perfect answer to your question. Next question is by iamrakesh_n. अब ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये यूजर नेम है इंस्टाग्राम के, तो इनका जो क्वेश्चन है वो है, से समथिंग अबाउट योर स्ट्रगलिंग डेज ऑन योर करियर और यूट्यूब। करियर का और यूट्यूब का, या देखो स्टोरी ना राकेश काफ़ी बड़ी सी है,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो मुझे पक्का है कि ये जो वीडियो है कम से कम आधे घंटे का ज़रूर हो जाएगा, पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ। द जर्नी हैज़ डेफिनेटली बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स, वेरी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि करियर की अगर आप बात करें या फिर अगर आप YouTube की भी बात करें, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चले हैं। YouTube स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो ये मेरा दूसरा चैनल है, टेक्सम टीवी एक और है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस करना स्टार्ट कर दिया है, बाय द वे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें करके जाके कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट सोशल स्टार्ट करा, जो भी इतना खैर ग्रो कर गया सब्सक्राइबर अकाउंट में, पर द व्यूज आर नॉट कमिंग नाइस, द स्ट्रगल डेफिनेटली गोज ऑन। उसी के साथ साथ अगर करियर में भी बात करें तो अप्स एंड डाउन्स तो यार देखो हमेशा चलते रहते हैं, तो दैट डेफिनेटली इज अ पार्ट एंड पार्सल। सो या फुर्सत कभी मिलेगी तो पूरी डिटेल में एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और कहाँ आके अभी मैं हूँ, तो उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बताना चाहूँगा, मे बी इन अ मीटअप और मे बी या कभी किसी वीडियो में मूड हुआ तो पक्के से, फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नितीश अंडरस्कोर चौरघे। उनका क्वेश्चन है, व्हाट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन डू यू लाइक? आई वुड से मुझे नहीं पता कि कितना ये चीज सही है या कितना वियर्ड है कि नहीं है, पर क्या आप लोगों में से किसी ने भी रोटी को एक पके हुए केले के साथ में खाया है? तो मैं बचपन में क्या करता था, ये मेरी मम्मी को भी काफी अच्छा लगता था। नॉर्मली आप करते क्या हो, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा वो बता देता हूँ जल्दी से कि इसको चीज को तैयार कैसे करते हैं। रोटी तो आपको तैयार करी देंगी आपकी मम्मी, तो पका हुआ केला छीलिए, छिलका हटाने के बाद में उसके छोटे छोटे पीसेस करिए, वो करने के बाद में उसके ऊपर एक कटोरे के अंदर डाल लीजिए पीसेस को, बहुत ज्यादा छोटे मत करना, मतलब इतने बड़े बड़े पीसेस हो, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नींबू डाल के उसको धीरे धीरे से हिला लीजिए, अब उसको रोटी के साथ में खाइए, यार काफ़ी अमेजिंग लगता है। मेरे हिसाब से काफ़ी वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, पर मेरे हिसाब से शायद आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ फोटोग्राफर? प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर। योर क्वेश्चन इज पिक्ड, कलूल अंडरस्कोर एस, पता नहीं कितने अंडरस्कोर है यहाँ पे, पर हाँ एनी वेज, वॉट इंस्पायर्ड मी इज मे बी से आई वुड से जो मेरे नियर एंड डियर वन से उस टाइम पे, जब मैं कभी मोमेंट्स देखता था, कभी लोगों को हंसते हुए देखता था, किसी के साथ में अगर किसी ट्रिप पे गया तो वहाँ पे जो मोमेंट्स होते थे वो हमेशा मैं सोचता था कि यार ठीक है कहीं ना कहीं किसी तरीके से फ्रीज करके रखे। उस टाइम पे मैं अपने मोबाइल फोन के साथ में करता था, जो यूजुअली या तो VGA कैमराज होते थे, और मैं उस टाइम पे कोडैक K10 भी यूज करता था, तो वो रील वाला होता था और इतने पैसे होते नहीं थे उस टाइम पे यार, तो फोटोज खींचे कुछ, प्रिंट भी करवाए पर इतने ज्यादा नहीं करवाए, तो मेरा स्टार्टिंग वहीं से हुआ। तो इंस्पिरेशन इज डेफिनेटली द मोमेंट्स, दी हैप्पीनेस, the emotions which I have seen in my friends and family members. Next question is by Anuj Goyal. Should we buy camera online or offline as well with dual kit lens or single kit lens with f1.8 lens, cause both cost equal? अब अनुज, this question is definitely, मैं भी बोलूँगा कि ये person specific है, ऑनलाइन खरीदते हो या ऑफलाइन खरीदते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन पे ट्रस्ट ही नहीं है, उनको लगता है कि ठीक है कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उनकी वाट लग जाने वाली है, कोई उनको चूना लगा देगा ऑनलाइन, तो लोग ऑफलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन इतनी अच्छी डील नहीं मिलती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, जहाँ आपको डील अच्छी मिले वहाँ से आप खरीद सकते हैं, पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मेक श्योर कि आप ऑथराइज ट्रस्ट वर्दी डीलर से ही खरीदें, उसके अलावा किसी से मत खरीदें, क्योंकि यार काफ़ी महंगी चीज़ है। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी पैसा बचाने के बाद में अगर आप ये चीज़ें खरीदते हैं तो इट बिकम्स प्रीटी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन कि आप डुअल किट लेंस के साथ में खरीदें, सिंगल किट लेंस के साथ में खरीदें। मैं बोलूँगा कि मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में तो सिर्फ बॉडी लो, बाकी अगर आप किट लेंस की बात करो या फिर अगर आप और किसी चीज़ की बात करो जिसके साथ में अगर प्राइम लेंस आता है किसी कॉम्बिनेशन के साथ में, यार उस पर्टिकुलर कॉम्बो पे ना जाते हुए फोकस ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उन लेंसेज के लिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लेंसेज डिसाइड करिए। हो सकता है जो डुअल कॉम्बो में जो सेकेंड लेंस है या किट लेंस है वो शायद आपके काम ही ना आए, तो इस चीज़ को मत सोचो कि ऑफर कैसा अच्छा मिल रहा है, ये सोचो कि अच्छा ऑफर आपकी रिक्वायर्ड चीज़ के ऊपर कैसा मिल रहा है, उस हिसाब से यू कैन बाय इट। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विष्णु मेनन 1701। एवरीवन से डिवाइस डजंट मैटर, स्किल्स मैटर, व्हाट इफ देयर इज नो कैमरा एट ऑल, इट्स अ सिंपल थॉट, जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन। अब देखो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पेट भरने के लिए भूख की जरूरत होती है खाने की नहीं, पर अगर खाना ही नहीं होगा तो भूख कैसे मिटेगी अगर थोड़ी सी भी है या ज्यादा भी है। तो देखो जो लोग बोलते हैं कि डिवाइस डजंट मैटर स्किल्स डू, तो यहाँ पे व्हाट दे मीन टू से इज कि भाई कैमरा कौन सा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है, जो काफी हद तक मैं इस चीज को सही मानूंगा व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग एबल टू टेक गुड फोटोज, कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इक्विपमेंट। पर अगर आप बात करेंगे क्वालिटी ऑफ फोटोज़ की या डिफरेंट मे बी से अगर आप प्राइम लेंसेज के रिजल्ट की बात करेंगे या फिर टेलीफोटो के रिजल्ट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन हायर वर्जन ऑफ ऑल दीज इक्विपमेंट्स, पर
फॉर टेकिंग गुड फोटोज आई अग्री, डिवाइस और कैमराज डू नॉट मैटर, स्किल्स डू. ऐसा नहीं है बिना कैमरा के फोटो कैसे लोगे. विदाउट एनी कैमरा यू कैन नॉट टेक एनी फोटोज, बट यू रियली डू नॉट नीड टू हैव अ प्रोफेशनल कैमरा टू बी एबल टू टेक गुड फोटोज. आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन. आई होप आई एम क्लियर इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दी अंडरस्कोर मीम अंडरस्कोर रास्कल. योर जर्नी एज अ यूट्यूबर और अ फोटोग्राफर, विच वन इज बेटर? आई वुड से माई जर्नी एज अ फोटोग्राफर हैज ऑलवेज बीन अमेजिंग. आई वुड नेवर बी एबल टू कंपेयर एनीथिंग विद माई जर्नी एज अ फोटोग्राफर. काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अभी फिलहाल डाउन चल रहा है, फिर अब कुछ आएगा. काफी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है. यूट्यूब आई एम डूइंग ओनली एज अ पार्ट ऑफ बींग अ फोटोग्राफर आई वुड से. मुझे पता है मैं काफी अलग अलग कंटेंट और भी करता हूं, पर क्योंकि when I started doing all these videos, I started loving it. इसीलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ. पर when you talk about what is the thing which I enjoy the most or which I really love, that is undoubtedly photography and my cameras. Next question is by Somesh dot here. Question है, what keeps you motivated even after you have सफेद बाल? तो पहला question, या देखो होता क्या है ना, कई बार there is something called hormonal imbalances. तो उनके साथ में कई बार ये हो जाता है कि बहुत लोगों के early age में white बाल होते हैं. मैं जब 10th class में था तब से मेरे white बाल हैं. तो if in case you are talking about maybe say relating my white बाल with my age, that's a bad correlation. Or talking about the motivation part, see, your motivation can come only from within, I would say. Agar aap andar se apne aap ko khush rakh sakte hain no matter how the circumstances are, I am pretty sure nothing in this world can actually demotivate you. To is cheez ka dhyan rakhiye, aapki अंदर की जो खुशी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि यार देखो, अगर आप बात करो टाइम की, अगर आप बात करो कि ठीक है मतलब कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा, हर एक चीज़ में आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है. अगर बुरा भी होता है तो बुरा टेम्प्ररी होता है, खुशी भी मेरे हिसाब से टेम्प्ररी होती है. इन बोथ द केसेस आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग इनफ एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड सो दैट यू कैन कीप वर्किंग इवन व्हेन यू आर गेटिंग जीरो रिजल्ट्स इन एनीथिंग व्हिच यू हैव बीन डूइंग सिंस इयर्स. कीप डूइंग इट, स्टे मोटिवेटेड. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन व्हिच इज फ्रॉम अंडरस्कोर आदित्य बागरी अंडरस्कोर. हिज क्वेश्चन इज हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी वर्क. तो देखो आदित्य, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना काम को शोकेस करना होता है. तो देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल जहां पे आप अपने काम को अपलोड करके शेयर कर सकते हैं. बहुत ज्यादा ऐसे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कुछ पैसे लेते हैं, आपको वहां पे फीचर करते हैं, आपको क्लाइंट देते हैं. तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हैं ऐसी चीजें. पर बिफोर यू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू बी रियली गुड एट व्हाट यू हैव बीन डूइंग. क्योंकि अगर 100 में से अगर कोई एक को हायर करेगा अगर कोई क्लाइंट, तो ऑफकोर्स फॉर इट बींग यू, यू विल हैव टू बी रियली गुड एट योर वर्क. तो अपना काम अच्छा करने के बाद में दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू. वर्क रियली हार्ड ऑन द मार्केटिंग पार्ट, क्योंकि आज की दुनिया में मार्केटिंग इज एवरीथिंग. मैंने बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर देखे हैं जो वेले बैठे हैं, जिनके पास में कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं मिलता है. और मैंने बहुत घटिया फोटोग्राफर्स देखे हैं जिनके पास में इतना काम है कि उनको शायद फुर्सत ही नहीं है अपना और घटियापन कहीं दिखाने की. तो प्लीज़ think really, really, really seriously about marketing your work. Next question is by Naman underscore Makhija. His question is, how can a person find his own style in photography? Yeah, होता क्या है ना, जब आप photographs लेना start करते हो, when you keep taking photos, slowly होता क्या है, हर एक इंसान की individuality होती है जो उसके photos में भी reflect होती है. एक inspiration होना अलग बात है, किसी को exactly copy करना अलग बात है. अगर आप starting से copy करने में believe करेंगे, अगर आप किसी shot को देख के उसको replicate करने की कोशिश करेंगे, that will not be something which will help you in growing your creative aspect of your brain. तो मेरे हिसाब से you should always keep clicking, whatever you feel, you just keep clicking and slowly आपका खुद का style एक build हो जाएगा. And I think that is what can help you in your question. Next question is by this is Hardik. His question is, what would you choose, a trip to Switzerland or Europe or a 7 cities trip of your choice in India? I would say the second option, which is the 7 cities of my choice in India, because India is beautiful. I would love to explore India before I explore any other country. Next question is by underscore dot ak27 underscore. Give best tips for beginners in one word. Aapko best tips chahiye single word mein, to mere hisab se I think the only thing should be consistency. अब अगर आप पूछेंगे कंसिस्टेंसी, किस चीज़ की कंसिस्टेंसी हो, बीइंग एबल टू टेक अमेजिंग फोटोज. क्योंकि जब आप कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट करने लगेंगे तो वहां पे तुक्के भिड़ाना, एक्सपेरिमेंट करना विल नॉट वर्क, स्पेशली ऑन दैट असाइनमेंट. यू विल हैव टू बी एबल टू
कंसिस्टेंटली टेक अमेजिंग फोटोज सो दैट यू कैन डिलाइट योर क्लाइंट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप स्ट्रीट फोटोज भी लेते हैं तो भी यू विल हैव टू बी एबल टू टेक कंसिस्टेंटली गुड फोटोज. 100 में से भले ही कुछ फोटोज होते हैं बट योर एवरी सिंगल फोटो शुड बी रियली अमेजिंग एंड कंसिस्टेंट विद योर स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय i_am.chinmay. कैनन EOS R और Nikon Z6 और Z7 which mirrorless camera should we buy in this 2K18? I would definitely go with Nikon Z7 considering अभी तक जितने भी comparison वाले articles हो वो सब मैंने देखे हैं उस हिसाब से. ऐसा नहीं है कि I am biased towards Nikon, it's just that the specifications are sounding much more, I would say, interesting in comparison to EOS R. So my bet would be Nikon Z7. Next question is by Tarun_who_me. Any bad habit you want to change? I would say मेरी कहीं ना कहीं एक छोटी सी bad habit है in terms of time management. कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ टाइम मैनेज करने में. कई बार क्या होता है अनइम्पॉर्टेंट जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों को शॉर्ट ऑफ निगलेक्ट कर लेता हूँ. उस वजह से काफ़ी बार प्रॉब्लम में फंसा हूँ. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड आई विल इम्प्रूव दिस, टर्न दिस बैड हैबिट इन टू अ गुड हैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय a_kushal. हाउ डू यू अवॉइड कॉपिंग योर इंस्पिरेशन इन टू योर ओन वर्क? मेरे हिसाब से वॉट यू शुड एक्चुअली डू इज, आपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर दिया है तो मेरा जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा है कि आपको इंस्पिरेशन लेना होता है ना कि उसको एज अ फोटोग्राफ जो आप कॉपी करना चाहते हैं. इंस्पिरेशन समझने की कोशिश कीजिए जब भी आप एक इंस्पिरेशनल फोटो देखते हैं कि उसमें फोटोग्राफर का थॉट प्रोसेस क्या होगा, सिचुएशंस क्या होगी, एनवायरनमेंट कैसा है, कैमरा क्या यूज़ करा होगा, कैसे यूज़ करा होगा, किस सेटिंग में यूज़ करा होगा. एग्जिट डिटेल्स एंड एवरीथिंग आर नॉट इम्पॉर्टेंट पर दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स. तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी ऐसे इंस्पिरेशनल फोटो को देखें आप उससे इंस्पायर होइए, उसके एफर्ट्स जितने लगे हैं उससे इंस्पायर होइए, कुछ सीखिए, आप कुछ ऐसी चीज ट्राई करिए जो हो सकता है शायद कुछ ना कुछ सिमिलर हो, पर अगेन दैट शुड बी समथिंग विच इज योर स्टाइल, ताकि वहीं पे आप एक इंस्पिरेशन को अनदर इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे शायद आगे भी और लोगों के लिए. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज बाय सैयद सरूश. उनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर आइडिया जनरेशन एंड थॉट प्रोसेस फॉर द वीडियो. तो सैयद मैं नॉर्मली करता क्या हूं, मैं पहले से डिसाइड करके नहीं रखता हूँ कि मुझे मतलब एक्चुअली में करना क्या है. कई बार क्या होता है आप वीडियोस देखते रहते हैं दूसरे यूट्यूब के या फिर आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, आपको कुछ आइडिया आता है, अब आप उस आइडिया के ऊपर अपने और कुछ पॉसिबल आइडियाज लगाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात करें तो आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं. तो यू जस्ट थिंक अबाउट दोज पॉसिबल थिंग्स, चार पांच ऐसी पॉसिबल चीजों को सोचने के बाद में जो हो सकता है रिलेटेड हो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से, उन चार पांच में अब आप सोचते हैं कि ठीक है उसमें से दो बेस्ट क्या हो सकते हैं. अगर आपको लगता है दोनों बेस्ट, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन बोथ द थिंग्स. अगर मुझे लगता हूं दो में से मुझे एक ही चूज करना चाहिए तो मैं एक चूज करता हूं, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं. हाल फिलहाल में थिंग्स हैव रियली नॉट बीन वर्किंग दैट ग्रेट आई वुड से, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज स्टिल, आई हैव रिटन इन माई डायरी, पर होता क्या है कई बार ना द एक्चुअल सपोर्ट विच यू वुड नीड फ्रॉम मे बी से अनदर पर्सन हु कैन हेल्प यू इन डूइंग ऑल दीज वीडियोज इज समथिंग विच आई एम लैकिंग राइट नाउ. सो मे बी होपफुली जितने भी आइडियाज हैं अच्छे अच्छे वो सारे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा फ्यूचर में. एंड आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. सो दिस इज वॉट वी हैव इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ Q&A. आई होप आपको ये पसंद आए और आपको अगर क्वेश्चन इंक्लूड होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर नहीं होता है तो Q&A 2 बहुत जल्दी करने वाले हैं. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर.